331 जानवरों का एक ही छत के नीचे किसी के घर पे रहना थोड़ा काल्पनिक लगता है ना, लेकिन ऐसा सच में हो रहा है। जम्मू के हक्कू स्ट्रीट एनिमल फाउंडेशन में, जिसे नम्रता जी अपने घर में ही चलाती हैं। 1993 से अब तक जानवरों की मदद करते हुए नम्रता जी ने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जो काफी शॉकिंग रही है। यहाँ के लोग क्या करते थे कि मीट बॉल्स बना के उसमें रैट पॉइजन डाल के उनको पॉइजन कर देते थे। अचानक जो डॉग्स खाना खाते हैं, अच्छी तरह से खेल कूद रहे होते हैं, और अगले दिन हम देखते थे कि वो सड़क के किनारे मरे पड़े होते थे। साल 2015 में हमारे घर के आगे एनिमल हस्बेंड्री का सेमेन प्रोसेसिंग यूनिट है, वहाँ पे एक जो मेन है डॉक्टर है, उन्होंने लगभग 12 डॉग्स को एक तो पॉइजन किया, फिर उनको हाफ डेड होके सीमेंट के बैग्स में पैक करके उनको बरी करवा दिया। तो हमारे लिए तो बड़ा ही, मेरे लिए खास करके काफी शॉकिंग था। ऐसी कई घटनाएं देखने के बावजूद भी नम्रता जी ने आज तक जानवरों को बचाने का काम जारी रखा है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इस अच्छे काम में उन्हें सपोर्ट मिलना तो दूर की बात, आस पड़ोस के लोग उन्हें सोसाइटी का एक हिस्सा तक नहीं मानते। लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि अगर अपने घर में उनकी कोई सेरेमनी या कोई शादी होती थी तो वो हमें निकाल के रख देते हैं कि दे आर नॉट इन नेबरहुड। सो ये एक दुख का पात्र है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। उन्हें बस साथ मिलता है अपने माता पिता का, जिनकी उम्र अब 60 से भी ऊपर है। अपने 331 बच्चों की देखभाल में नम्रता जी इस कदर जुटी हुई हैं कि उन्होंने आज तक शादी भी नहीं की। यहाँ तक कि फंड्स जुटाने के लिए उन्होंने अपना घर और गहने तक बेच दिए हैं। अब बीइंग ए कश्मीरी पंडित, मुझे पता है कि हम रातों रात कैसे अपना घर छोड़ के इधर आए। जो जानवरों को रातों रात छोड़ा जाता है, अबैंडन किया जाता है, मैं उनकी तकलीफ समझ सकती हूँ, क्योंकि अपना घर छोड़ना इतना इजी नहीं है, मगर लोग उनको मजबूर कर देते हैं, रात को कहीं छोड़ देंगे, उनको पता ही नहीं होता अपने कहाँ जाना है, वो ढूंढते रहते कहीं हम छुप जाए। जो एनिमल की लाइफ होती है वो बहुत फ्रेजाइल होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, वो एक बिल्कुल एक थिन लाइन है। सो अगर हम जैसे लोग भी नहीं आएंगे आगे तो फिर कौन करेगा।